हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। अभी मैं गुरुद्वारा रखा हूँ, बंगला साहब गुरुद्वारा जो दिल्ली में पड़ता है, और यहाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा है। काफ़ी सुकून सा मतलब जगह है। एक बार मैं अमृतसर गया था, अमृतसर का जो गुरुद्वारा था वहाँ के बाद का जो ये गुरुद्वारा है मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम मैं आया हूँ, और आप लोग भी कभी आए दिल्ली तो बिल्कुल यहाँ पर आए, और यहाँ का आनंद बहुत अच्छी जगह है। व्यू है यहाँ का, आप देख सकते हैं इतनी ज़्यादा भीड़ है, और काफ़ी अच्छे मतलब ये बच रहे हैं, मन को काफ़ी सुकून मिल रहा है, और काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। शाम का टाइम है, अभी 5:30 के आसपास, 6 के आसपास बज रहे हैं, और मुझे यहाँ के काफ़ी अच्छा लग रहा है। और आप भी देख सकते हो वो नज़ारा है नारा। मैं अंदर जो होता है, जहाँ असली में मूर्ति रखी हुई है, मतलब जहाँ पे होता है वो, जहाँ पे हम मस्तक झुकाते हैं, वो आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि वो शायद शूट करना अलाउड नहीं है। बाकी आप यहाँ पे आ सकते हो तो यहाँ पे मौसम भी काफ़ी अच्छा होता है, देखो ऊपर का होता है, ये इतनी ज़्यादा लाइट वाइट है, कह सकते हैं कि मतलब काफ़ी कमाल का है। और संडे जो आज था, मैं ऐसे घूमते घूमते कनाड़ पे से आया था, लेकिन यहाँ आने के बाद मैं सोचा कि मैं यहाँ पे आऊँ और आ गया, तो मेरे को मेरा मन भी लग गया और काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और काफ़ी काफ़ी खुशनुमा जगह है। गाइस, मेरे पीछे अभी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, देख सकते हो आप पीछे। एक्चुअली यहाँ पे क्या है कि सारे जो सिख भाई हैं वहीं लगे हुए हैं यहाँ पे, ऐसा कोई ये चीज़ काफ़ी अच्छी है यहाँ पे कि मतलब ज़्यादा सारे सिख भाई में इतनी अच्छी यूनिटी होती है, तो वो आके अपने मन से यहाँ पे काम वाम करते हैं, और काफ़ी अच्छा मतलब लगाता है, लगता है कि हाँ है कुछ ऐसा जो अपनापन सा फील करवाते हैं यहाँ पे आके। तो यहाँ पे कोई ऐसा कोई लेबर वगैरह नहीं लगा, सारे सिख भाई खुद आते हैं और अपने मन से अपना काम करते हैं, ये सब सारे अच्छी है। फिर आप देख सकते हो, मैं पीछे आपको दिखाता हूँ, मेरे पीछे ये पानी और की फैसिलिटी, जहाँ पे आप जाके फ्री मतलब पानी पी सकते हो, कोई पैसा वैसा नहीं लगता यहाँ पे। तो अब बहुत सारे लोग हैं सेवा, कितने ज़्यादा लोग लग रहे थे, सारे जो बड़े बड़े घर के जो सिख होते हैं वो आते हैं यहाँ पे सेवा करने के लिए, वो बर्तन वगैरह धोते हैं, वो खाना बनाते हैं, तो ये सब सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है गुरुद्वारे की। गुरुद्वारे में वैसे 3-4 बार जा चुका हूँ, और यहाँ पे मैं फर्स्ट टाइम आया था, मुझे ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी यहाँ पे। बाकी पीछे देख सकते हो आपको मैं दिखाता हूँ कितनी ज़्यादा भीड़ है, कितने लोग लगे हुए हैं, सारे लोग देखो काम पे लगे हुए हैं, और सारा मतलब वो मैं जो पुराने वहाँ पर फैसिलिटी हो रही, जो पानी वगैरह नहीं है तो उसको ज़्यादा ठीक करने पे लगे, और भीड़ तो भाई कमाल की है। ये नॉर्मल भीड़ है जो अभी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ऐसे फंक्शन वगैरह में जैसे जो सिख वगैरह सिख जी साहब का जो जो पर्व फंक्शन आता है उसमें, तो ये यहाँ पर इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती, तो काफ़ी मस्त है और काफ़ी मज़ेदार। यहाँ आने का मैं आपको बता देता हूँ, आना कैसे, आप कनॉट प्लेस सीपी के मेट्रो को उतरना, वहाँ से उतरने के बाद आपको आना किस साइड है, आप मतलब आप वहाँ से किसी से भी पूछोगे, ऑटो ले लोगे तो 20 रुपये के आसपास या 30 रुपये के आसपास लगेगा आपको यहाँ पर पहुँचाने का। और अगर वॉकिंग आना है तो आपको आना पड़ेगा PVR सिनेमा है, उस रास्ते में आना पड़ेगा। मैं एग्जैक्ट उसका रोड का नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन PVR सिनेमा आपको पड़ेगा वहाँ पे, उसी रास्ते से सीधा चलते आना है, चलते आना है। और जैसे आगे जाओगे तो एक हल्का वहाँ पे ना एक बोर्ड लिखा रहेगा, जहाँ पे बंगला सब रास्ते का ये मेंशन रहेगा, वहाँ से आपको कर्व लेना है लेफ्ट, और लेफ्ट से बिल्कुल सीधे सीधे जाओगे तो फिर हल्का सा राइट लोगे, फिर बंगला सब गुरुद्वारा आ जाएगा। तो यही है, और हवा वगैरह काफ़ी अच्छी चल रही है यहाँ पे, मेरा मन कर रहा है कि आज मैं यही रात काट लूँ, और लेकिन क्या करें, घर तो जाना ही पड़ेगा क्योंकि घर जाना बहुत ज़रूरी है। बाकी काफ़ी अच्छा है यहाँ गाइस, दिल्ली के बहुत सारी ऐसे जगह जहाँ कि आपको घूमने में काफ़ी मज़ा आएगा, बहुत सारे ऐसे जगह जो पुराने जैसे आपको दिखाया था कि जैसे कुतुब मीनार है हमारा या फिर लाल किला है, लेकिन उन सब में जगह पे जाओ तो एक अलग ही लगता है कि पुरानी चीज़ें हैं तो थोड़ा सा इंटरेस्ट आता है। लेकिन अगर आप बात करें गुरुद्वारे की, तो गुरुद्वारा चाहे छोटा हो या बड़ा, वहाँ के जो मन की शांति मिलती है ना वो कहीं नहीं मिलती, यहाँ आके काफ़ी ज़्यादा सुकून है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये लगती है कि यहाँ पे सारे लोग एकजुट होते हैं, सारी चीज़ें छोड़ के गुरुद्वारा में, ऐसा नहीं है कि सारे सिख ही आते हैं, कोई हिंदू भी आता है मेरे जैसा, कई बार मेरे को जहाँ तक घूमे थे मुस्लिम भी आते ही होंगे,
तो यहाँ पे ऐसा नहीं लगता है कि भाई ये अलग कास्ट का है या अलग कास्ट का है, सारे आते हैं, सारे गुरुद्वारे में बैठते हैं, सारे आनंद लेते हैं, और सबसे अच्छी बात यहाँ पे लगती है कि सारे मिल के काम करते हैं, चाहे जो आपका बर्तन सफाई का हो या फिर चाहे जूते रखने का हो, तो ये सब सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी लगती है गुरुद्वारे की मुझे, और मुझे काफ़ी पसंद है गुरुद्वारा आना। मैं कहीं भी अगर गुरुद्वारा मुझे मौका मिलता है जाने का तो मैं जाता ही जाता हूँ, क्योंकि मुझे दिल से भी काफ़ी पसंद है। गाइस अब हो चुका है शाम और मेरा घर जाने का टाइम हो चुका है, बाकी आप बताना ये वीडियो कैसा लगा, और अगर अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना, और गुरुद्वारा बिल्कुल आना, ये बंगला साहिब गुरुद्वारा काफ़ी अच्छी जगह है और मन की शांति चाहिए, एक बार ना एक बार जरूर आना। बाकी मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए सबक है, बाय।